जावेद चौधरी के आज के इनकशाफात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम लेके गए हैं कि इमरान खान साहब एक स्टेप पीछे हट जाएं और मुझे मौका दें, मैं बीच का रास्ता निकाल कर कारकुनों को जेल से छुड़वा कर आगे का लाए अमल अपोजिशन के साथ तय करके कोई स्पेस लेने की कोशिश करूँगा। ये ख्याल है जावेद चौधरी साहब का, और उनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब ने रुकावट की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये ऐलान किया कि वो इमरान खान के साथ डट गए हैं, तो उनका अगला मुकद्दर जो है वो जेल है, या वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, या जो है उनको उनके बगैर जो है पार्टी की क़यादत करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि इमरान खान साहब अन करीब दिनों में वो अब जेल में होंगे, और उन पर और उनके समेत 14 जो टोटल लोग हैं पीटीआई के जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं बकौल जावेद चौधरी के, वो सारे जो हैं उन पर जो है अब स्पेशल कोर्ट्स के तहत या मिलिट्री कोर्ट आप कह लें उसके तहत जो है मुकदमा चलेंगे और इनको सज़ाएँ होंगी। ये जावेद चौधरी साहब का ऐसा कहना है कि अब उन पर घेरा जो है वो मज़ीद तंग होने को आ गया है। तो ये आज की लेटेस्ट खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।